CIET प्रस्तुत करता है उमंग 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 में आज सुनते हैं प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर सीवी रमन पर आधारित कार्यक्रम समुद्र नीला क्यों है। पिताजी। हाँ बेटे। आप वीणा से इतने सुंदर स्वर कैसे निकाल लेते हैं? बेटे, वीणा के तारों से। वीणा के तारों से? और क्या। लेकिन वीणा के तार से स्वर कैसे निकलते हैं? तुम्हारे सवालों का तो कोई अंत ही नहीं है बेटा। पिताजी, हमारी पाठशाला की खिड़की से समुद्र दिखता है। वो नीला क्यों है? बेटा, वो कुछ लोग कहते हैं कि नीले आसमान की परछाई पड़ने से समुद्र नीला दिखता है। अच्छा, तुम्हारे मन में जो सवाल आते हैं ना, उनके जवाब तुम घर के पुस्तकालय में जाकर किताबों में ढूंढ लेना। बच्चों, क्यों और कैसे के ये सवाल पूछने वाला बालक था चंद्रशेखर वेंकटरमन। चंद्रशेखर वेंकटरमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के पास एक गांव में हुआ था। ये बालक पढ़ने में बहुत होशियार था। किताबें पढ़ने का इसे बेहद शौक था, इसीलिए उन्होंने 11 वर्ष की ही उम्र में 10वीं कक्षा पास कर ली थी। उसके बाद रमन मद्रास यानी चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिल हो गए। एक दिन उनके अध्यापक मिस्टर जोन्स ने उनसे कहा, आओ रमन, हम तुमसे बहुत खुश है। जी सर। हम तुम्हें इस महाविद्यालय के प्रयोगशाला में वैज्ञानिक प्रयोग करने की पूरी छूट देते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तुम बहुत काबिल विद्यार्थी हो। अध्यापक से प्रयोग करने की अनुमति मिलते ही रमन नए नए प्रयोग करने लगे और एक दिन ये देखिए सर, मेरे प्रयोग का नतीजा। अरे, ये क्या प्रयोग है? ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। रमन भाई। जी सर। अपने इस प्रयोग के बारे में तुम लंदन की पत्रिका में लिख कर भेजो। पत्रिका बहुत लोग पढ़ेंगे और तुम्हारा बहुत बहुत नाम होगा। जी सर, जरूर लिखूंगा। ठीक है, ठीक है। कुछ दिनों बाद रमन ने एक सरकारी नौकरी कर ली। नौकरी करते हुए भी वो अपनी वैज्ञानिक खोज करते रहे। वो अब घर की अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में ही खाली समय में खोज करने लगे। कुछ दिनों बाद रमन का तबादला कलकत्ता हो गया। कितनी भीड़ भाड़ है इस शहर में। अरे, ये इस बोर्ड पर क्या लिखा है? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। इस वैज्ञानिक संस्था में आज ही शाम को जाऊंगा और वैज्ञानिक खोजें अब यहां भी करूंगा। कलकत्ता की इस प्रयोगशाला में रमन को कई सवालों के जवाब मिले, जैसे वीणा, वायलिन, मृदंग और तबले से स्वर कैसे निकलते हैं। रमन
अब विज्ञान के विशेषज्ञ हो गए थे। वो अब विज्ञान पर भाषण भी देने लगे। प्रस्तुत है उन्हीं के स्वर में उनके मूल भाषण का एक अंश। When I sing or when a violin is played, or for the matter of any instrument having continuous musical tone is played, we know from physical principles that that sound can be analyzed into harmonic overtones. Those relationship stands to each other. The vibration frequency is as 1, 2, 3, 4, 5 and so on. उनके कामों से खुश होकर संस्था ने उनके लिए वैज्ञानिक का पद स्थापित किया। वैज्ञानिक के रूप में काम करते हुए उन्हें सन 1921 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कांग्रेस में शामिल होने का निमंत्रण मिला। जहाज में बैठे जब चंद्रशेखर वेंकटरमन सागर से गुजर रहे थे तो बचपन का वही सवाल उनके मन में फिर से उभरा। समुद्र नीला क्यों है? समुद्र नीला क्यों है? कितना नीला है ये सागर, लेकिन क्या ये सचमुच आसमान की परछाई है? सागर तो सिर्फ सतह पर ही नहीं बल्कि नीचे तक नीला मालूम पड़ता है। अगर आसमान की परछाई से ये नीला दिखता तो फिर सतह तक ही होता। अच्छा, कलकत्ता लौटकर इसकी खोज करूंगा। कलकत्ता पहुंचने पर रमन ने इस पर खोज करना शुरू कर दिया और 28 फरवरी 1928 को उनकी ये खोज पूरी हो गई। रमन इस नतीजे पर पहुंचे कि जब सूरज की किरणें समुद्र पर पड़ती हैं तब रोशनी के सातों रंगों में से पानी के अणु नीली रोशनी बिखेरते हैं, इसी से ही समुद्र नीला दिखता है। इस खोज ने विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी। उन्होंने गैस या द्रव की भीतरी बनावट के बारे में पता लगाने का तरीका ढूंढ निकाला। ये रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। रमन की इस खोज के लिए सन 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई। सर सीवी रमन एशिया के ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्हें विज्ञान पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 28 फरवरी का दिन उन्हीं की स्मृति में विज्ञान दिवस के रूप में सारे देश में मनाया जाता है। इसके अलावा रमन को बहुत से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। उन्होंने देश की वैज्ञानिक संस्थाओं को चलाने में योगदान दिया। उनके नाम से बेंगलोर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनवाया गया। आज रमन हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके प्रयासों से नौजवानों की विज्ञान में रुचि बढ़ी है और भारतीय वैज्ञानिकों की देश और विदेश में पहचान बनी है। समुद्र नीला क्यों है? अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा, आलेख दीपा अग्रवाल, कलाकार BRL सक्सेना, प्रभुदयाल खट्टर, कीमती आनंद, पवन कौशिक और अनन्या, ध्वनियांकन दीपक पांडे और बटीलैंग लिंगडो, ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी और सिम्मी कुमार तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।